अपने वतन की यकजहती अपने वतन की यकजहती के शोक के एहसास से ले रहा हूँ जिससे सरदार के ख्यालात उनके काम पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके मैं अपनी हिफाजत बरकरार रखने के लिए अपना पूरा जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर जो है जो हम यूनिटी डे के नाम से मनाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इस साल भी हमने आज म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में हमने इस दिन को मनाया। गर्ज़ ये बताने का था कि हमारे जो मुल्क की एक यूनिटी है या हमारी इंटीग्रिटी है वो हमेशा कायम रहे, और जो भी कुछ फोर्सेस जो हमारे मुल्क को एक थ्रेट की परसेप्शन में लाते हैं ये तभी हम उनको हम बोतूर जवाब दे सकते हैं जब मुल्क में हमें यूनाइटेड हो। और मैं आपको बताऊं कि ये जो दिन है आज जिनके नाम पे हम मनाए हैं वो बेसिक फाउंडर भी थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, और वो पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग भी करते थे। तो बताने का गर्ज ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो आज की ये मैसेज है, जो आज का ये दिन है, हम अपने नौजवानों को बताएं कि ऐसे ऐसे कदावल लीडर, कदावल लोग जो निकले हैं यहाँ मुल्क में हिंदुस्तान को। मैं आपको बताऊँ तकरीबन 500 इंडिपेंडेंट प्राइम फेसेस को हमने इन्होंने जोड़ा, उसके बाद एक मुल्क में जो एक तब्दीली लाई मैं आपको बताऊँ ब्रिटिश रूल के बाद, तो इनका बड़ा एक रोल रहा है उसमें। तो हम आज के दिन पे उनको याद करते हैं कि ऐसे ऐसे जो लीडर थे हमारे हिंदुस्तान के, ऐसे भी आने वाले समय में हमें ऐसे ऐसे लीडरों की सरबराही मिले ताकि हम इस मुल्क की इंटीग्रिटी जो हमारे है या और भी यूनाइटेड स्ट्रेंथ हम इसे कहेंगे वो हम बरकरार कर सकें।